भाइयों लोग विदेशों में पढ़ने जाते हैं या वहाँ घूमने जाते हैं और अंग्रेजों से गुड़ गुड़ कर रहते भी हैं, लेकिन भाई हमारी पहाड़ी राजा कौम ने वहाँ पर झंडे गाड़ रखे हैं। अभी ही कुछ दिन पहले पीटर ब्रफ से एक जरार राजपूत, मैं भी उसी वंश से हूँ, राजा आसिफ जलाल वहाँ का कौंसलर बना है। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि पूरे बेडफोर्ड का एमपी सांसद कहते हैं वो राजपूत है यूके में। और यूके की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूके में जो पीओके, यानी कि आज का पीओके है, लेकिन वहाँ पर झंडे डोगरा राजपूतों के लहराते हैं। वहाँ से बड़ी वादी में लोग, मीरपुर डैम जब ख़त्म हुआ था वहाँ पर राजपूतों की हिस्ट्री पड़ी हुई है उस इलाके में, तो वहाँ से बहुत सारे लोग दूसरे विदेशों में हैं। और सबसे ज़्यादा बिरमिंघम, बेडफोर्ड, इसके अलावा मैनचेस्टर, लीड्स, ल्यूटन, इन सभी जिलों में सिखों की भी इतनी वादी नहीं होगी जितनी केले पहाड़ी राजपूत राजा कबीले की है। डबल वादी और इतना बड़ा डामिनेंस है कि वहाँ से बहुत सारे कौंसलर बने हुए हैं। अकेले बैंस तकरीबन 10 कौंसलर मेयर पिछले साल बने थे 2021 में। जल्दी ही हम लगभग 20 कौंसलर जो वहाँ झुके में बने हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। सभी पहाड़ी कबीले के हैं, शायद ही और किसी स्टेट के या और किसी इलाके से एक भी रायपुर कौंसलर हो या किसी और कौम का हो जो रायपुर विरोधी बातें करते हैं। हमारा राज तो विदेशों में भी है, तुम्हारा है क्या बताओ? धर्म बदलने से जाति नहीं बदला करती, जाति वही रहती है और तुम्हारा कहीं नाम नहीं है। राजपूत राज करने के लिए होते हैं और आर्यन नस्ली राजपूतों ने वहाँ पर झंडे गाड़ रखे हैं। और मैं इतिहास भी बताना चाहता हूँ कि जो ये बिंबर है ना, ये चिब्बर राजपूतों का है, कोटली भी मंगरार राजपूतों का है, पीओके में मुजफ्फराबाद भी जंजुओं की शाखा खाखा राजपूतों का है, और रजौरी हमारी जराल राजपूत बरादरी का ही है। और इसके अलावा पुंछ भी पहले मंगरालों का था, फिर राठौरों के पास आया, और फिर बाद में तो वही इसी कबीले के लोग, पहाड़ी कबीले के लोग जो पहाड़ों की तरफ रहते हैं 1947 से ही फारन में बैठे हुए हैं।